Good morning, students. Today is 7th of April 2020. I am Mohit Sharma, the economics teacher of your world in 12th class. So today's topic is banking. I divide this topic in two parts. आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताता हूँ. सबसे पहले पढ़ेंगे commercial bank क्या होता है. फिर function of commercial bank, इसके दो function होते हैं, primary और secondary. Primary के दो part होते हैं और secondary के भी दो part होते हैं, उसको हम थोड़ा detail में अभी पढ़ेंगे. और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन. ये आज का टॉपिक है पार्ट फर्स्ट में. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या होता है. कमर्शियल बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट. मतलब कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर कौन से फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. मतलब अगर लोगों के पास पैसा है तो उसको एक्सेप्ट करने का काम, उसको सेव करने का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक. ग्रांटिंग लोन, अगर किसी भी बंदे को जरूरत पड़ती है तो उसको लोन देने का काम भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक. हमने फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इस चीज के बारे में पढ़ा था कि बीच में जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसका काम ही होता है सेविंग एंड बोरोइंग. तो इन दोनों फंक्शन को परफॉर्म करने का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक का. सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट. जो कमर्शियल बैंक के पास हम अपना फंड जमा कराते हैं वो अपने फंड को कभी भी आइडियल नहीं रखता. आइडियल मतलब अपने पास, जैसे मेरे पॉकेट में 100 रुपए हैं तो और 10 दिन के बाद मैं अपने पॉकेट में 100 रुपए 10 दिन कॉन्टिन्यूअसली रखूं तो वो 100 रुपए ही रहेंगे. लेकिन अगर मैं उन 100 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करूं तो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट मेरी क्या होगी, इनकम. ऐसे ही कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आता है उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है किस मोटिव से, प्रॉफिट मोटिव से. अब हम सेकंड पढ़ते हैं. सेकंड आता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. इसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन पढ़ते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है. प्राइमरी मतलब सबसे मेन, मतलब जो प्री, जो सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, वो दो होते हैं इसके. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो इसमें तीन टाइप के अकाउंट होते हैं. जब भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपसे पूछता है विच टाइप ऑफ अकाउंट यू वॉन्ट टू ओपन. देर आर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट, सेकेंड इज फिक्स डिपॉजिट, थर्ड इज सेविंग अकाउंट. पहले करंट अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है. करंट अकाउंट इज जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक नहीं देता बल्कि सर्विस चार्ज लेता है अकाउंट होल्डर से. ठीक है, यहां पर बैंक, यहां पर चेकेबल फैसिलिटी अवेलेबल होती है. चेक को इश्यू करके हम बैंक से, अगर मेरा करंट अकाउंट है, मेरे करंट अकाउंट में 50 करोड़ रुपए है और मुझे आज ही वो 50 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं वो निकाल सकता हूं. यहां पर चेकेबल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बिजनेसमैन इस अकाउंट को खुलवाता है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता. ये तीन पॉइंट इस बात में, इस करंट अकाउंट में याद रखना है आपको. फिर उसके बाद होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट. यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो होती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और फिर टाइम पीरियड, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद हम उस अमाउंट को रीपे करते हैं. यहां पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहां पर चेकेबल फैसिलिटी आपको नहीं मिलती. थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट. इट इज बेसिकली हाइब्रिड ऑफ करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट. यहां पर चेकेबल फैसिलिटी है लेकिन रेस्ट्रिक्शन है. यहां पर मतलब जो अकाउंट में आप डिपॉजिट कराते हो या निकलवाते हो उस पर रेस्ट्रिक्शन है. यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बट एज कंपेरिजन टू FD कम मिलता है. तो ये तीन टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं हमारे. उसके बाद आता है हमारा ग्रांटिंग लोन. मतलब बैंक लोन भी देता है. लोन भी बैंक तीन तरीकों से दे सकता है, एक कैश क्रेडिट होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है और एक डिमांड लोन होता है. कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पर लेते हैं. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी स्टैंड फॉर जब शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, इनको, क्योंकि बैंक, अगर मैं किसी को कर्जा देता हूं तो अगले बंदे से सिक्योरिटी जरूर मांगूंगा. तो बैंक किस फॉर्म में सिक्योरिटी मांगता है, कैश क्रेडिट में. बैंक मांगता है लिक्विड सिक्योरिटी, दैट इज शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सबको गिरवी रख के बैंक क्या दे देता है, लोन दे देता है. किसको, बोरोवर को. लेकिन बैंक लोन कैश में नहीं देता, बैंक आपके अकाउंट में लिमिट स्पेसिफाई कर देगा. से अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक आपके उसी, जिस बैंक से आप लोन मांग रहे हो, अपने अकाउंट में 10 लाख की लिमिट स्पेसिफाई कर देगा. आप 10 लाख तक पैसा निकलवा सकते हो. यहां पर कैश क्रेडिट एक ऐसा मेथड है जहां पर एक्चुअल विड्रॉवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना कि लिमिट पर. फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, कौन सा, डिमांड लोन. डिमांड लोन, बैंक ऑन डिमांड आपसे कभी भी पैसा मांग सकता है कि बैंक, अगर बैंक ने आपको कर्जा दे रखा है तो बैंक आपसे कभी भी पैसा मांग लेगा. लेकिन यहां पर 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसा चाहिए. यहां पर लिमिट पर इंटरेस्ट लगता है ना कि एक्चुअल विड्रॉवल पे.
उसके बाद आता है हमारा तीसरा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है, जो कॉलेट्रल सिक्योरिटी भाई जमीन हो गई, गाड़ी हो गई, बंगलो हो गया, इन सबको गिरवी रखकर जब बैंक आपको लोन देता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन पर भी लिमिट पर इंटरेस्ट लगता है, ना कि एक्चुअल विड्रॉवल पे। तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शन थे। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन आते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में एक तो है एजेंसी फंक्शन, मतलब फंड को ट्रांसफर करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम फंड को ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी कौन करता है, बैंक। ऑन बिहाफ ऑफ यू बैंक पेमेंट कलेक्ट करता है और पेमेंट को पे करने का काम भी बैंक ही करता है। फिर उसके बाद लोकर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है कि भाई बैंक में अलग अलग लोकर होते हैं, अगर आपको अपना कोई भी कीमती सामान वहां पर सिक्योर करके रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, देयर आर सो मेनी फंक्शंस, ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन होते हैं जो कि बैंक हमारा परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मनी क्रिएशन होती है। What is money creation? Money creation refer to when commercial bank is able to create credit which is far excess than initial deposit. It means जब बैंक के पास जितना डिपॉजिट जाता है उससे कई गुना बैंक क्रेडिट क्रिएट कर देता है, उसको हम कहते हैं मनी क्रिएशन। अब मनी क्रिएशन को किस तरीके से समझना है, इसके लिए पहले आपको दो एजम्पशन लेने पड़ेंगे। दैट एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इज वन यूनिट, दैट इज बैंक। मतलब चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये पंजाब एंड सिंध बैंक हो, वो सारे बैंक को एक ही बैंक मानना है। दूसरा, ऑल द रिसीट एंड पेमेंट आर डन थ्रू बैंक। कितना भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो या कितना भी पैसा आप पे कर रहे हो, बैंक के थ्रू ही कर रहे हो, मतलब आप कैश में लेन देन नहीं कर रहे हो। अब उसके बाद जैसे आप दो एजम्पशन हमने पढ़ लिए, अब हम मानकर चलते हैं हमने बैंक में डिपॉजिट कराया 1000 रुपीज या 1000 करोड़ रुपीज डिपॉजिट कराया, ठीक है। उसके लिए पहले आपको ये टर्म भी पढ़नी पड़ेगी, LRR। व्हाट इज LRR? LRR स्टैंड फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो पार्ट होते हैं, CRR और SLR। CRR होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक के पास जितना डिपॉजिट जाता है उसका कुछ परसेंटेज बैंक रिजर्व के तौर पर रखता है और रेस्ट अमाउंट का ही लोन दे सकता है, ये RBI की गाइडलाइन कहती है। तो इस LRR के दो पार्ट है, CRR और SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, इट मींस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हम किसके पास रखेंगे, RBI के पास, जिसको हम कहते हैं CRR, और टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है जिसको हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये दोनों खत्म होने के बाद इन दोनों का सम टोटल होता है हमारा LRR। हमने मानकर चला कि इस LRR है कितना परसेंट, 20%। इट मींस अगर हमने 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट जमा कराया बैंक में, तो बैंक 200 का रिजर्व रख के 800 का ही लोन दे सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमें मानना है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, दैट सपोज बैंक में हमने इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 करोड़ रखवाया, देन बैंक इज ऑब्लाइज टू कैप द रिजर्व ऑफ 20%, दैट इज 1000 का 20% 200, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट अमाउंट का क्या दे सकते हैं, लोन। अब लोन जो मैंने आपको बताया, लोन भी किसको मिलेगा, किस जिस बंदे को मिलेगा वो उसके अकाउंट में ही मिलेगा, एंड ऑल द रिसीप्ट एंड पेमेंट आर डन थ्रू बैंक। तो अगर जिस बंदे को लोन मिला उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, किसी भी चीज पर, क्योंकि अगर लोन लेगा तो इसीलिए लेगा कि उसको जरूरत होगी, तो उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। जो खर्च किया, जिसको भी पेमेंट करी, वो उसके अकाउंट में पेमेंट करी होगी। अब अकाउंट पे पेमेंट करने का मतलब है फिर से डिपॉजिट क्रिएट हो गया, कितने का, 800 का, यानी ये न्यू डिपॉजिट क्रिएट हो गया दूसरे अकाउंट में, जिसको भी उसने पेमेंट की होगी। अब न्यू डिपॉजिट का 20%, दैट इज 160 रिजर्व के तौर पे रखेगा बैंक, और रेस्ट अमाउंट का क्या दे देगा, लोन दे देगा। ये प्रोसेस एज इट इज चलती रहेगी जब तक, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है, कहां जाके रुकेंगे, और यहां पे आपने सर ये 5000 कैसे लिख दिया, बेटा इसमें एक कंसेप्ट है मनी मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR मींस LRR कितना है, 20%, इट मींस 0.20। सो 1/0.20 इज इक्वल टू 5। इट मींस इनिशियल डिपॉजिट का कितने गुना डिपॉजिट क्रिएट होगा, 5 गुना। तो 1000 का 5 गुना कितना होता है, 5000। ये आप 3 रो में बनाकर यहां तक छोड़ देना, फिर डैश डैश करके लिख देना, और लास्ट में यहां पे उतना अमाउंट आएगा। अगर यहां 10% होती तो इसका 10 गुना, अगर यहां 20% है तो इसका कितना गुना, 5 गुना।
तो 1000 का 5 गुना कितना होता है 5000, तो 5000 हमने क्या रखा, 5000 टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो गया जिसका 20% रिजर्व, 1000 हमने क्या रखा रिजर्व और 4000 का क्या दे दिया लोन दे दिया, तो 1000 हमने क्या रखा है रिजर्व। जो इनिशियल डिपॉजिट है वो हमेशा किसके लास्ट में इक्वल आएगा, LRR के सम टोटल के इक्वल आएगा। अब डेफिनेशन क्या थी, मनी क्रिएशन रेफर टू व्हेन कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस देन इनिशियल डिपॉजिट, मतलब इनिशियल डिपॉजिट से 5 गुना ज्यादा बैंकों ने क्या क्रेडिट क्रिएट कर दिया, इसी को हम कहते हैं मनी क्रिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पढ़ना है, ये सबसे पहले ये आपकी अगर माई सीबीएसई गाइड पे अगर आप देखोगे तो इसका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम मिलेगा, 6 out of 10 टाइम्स एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलता है। इसको डिटेल में आपको लिखना है, इस प्रोसेस को लिखना है और इस प्रोसेस के नीचे यहां पे एक सपोज वाली लाइन है, उस सपोज से लेकर लास्ट के 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को आपको लिखना है। इसके जो 2 एजम्पशन मैंने बताया वो 2 एजम्पशन लिखने हैं। मनी क्रिएशन की प्रोसेस के बाद टॉपिक आता है हमारा सेंट्रल बैंक, ये भी टॉपिक हम आज ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे जो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और पूरी एक क्लास चाहिए उन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो व्हाट इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ आर इकोनॉमी, मतलब सेंट्रल बैंक हमारा एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम, सबसे बड़ा, मतलब जितना भी बैंकिंग, जैसे आपके घर में अगर मैं पूछूं आपसे आप में सबसे बड़ा कौन है, आप जनरली आंसर दोगे या तो हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर, तो बेसिकली आपके दादा या आपके जो पिताजी सबसे बड़े हैं तो वो आपके घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, जो रेगुलेशन बनाने का काम कंट्रोल होता है वो वही करते हैं फैमिली में। इसी तरीके से जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है हमारा, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश के अपने अपने बैंक होते हैं और हर देश के अपने अपने बैंक जो हमारी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उन सबको सेट करने का काम कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। रिसेंट में भी आप देख रहे हो कोविड-19 के कारण हमारे ईएमआई जो ड्यूज पड़े हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं या कोई भी चीज है, इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो आरबीआई इश्यू करता है, आरबीआई की गाइडलाइन होती है। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट भी देखते हो, आरबीआई की कई सारी एडवर्टीजमेंट भी आती है। तो व्हाट इज आरबीआई, जो मैंने आपको बताया, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश का आरबीआई है, इंग्लैंड का अपना सेंट्रल बैंक होगा, रशिया का अपना सेंट्रल बैंक होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। अब मैं बात करता हूं होमवर्क की, कि आपको होमवर्क क्या करना है। एक मैंने सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में थोड़ा बता दिया, इसके फंक्शन को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले माई सीबीएसई गाइड पर जाना और मनी क्रिएशन को डाउनलोड करना, कि मनी क्रिएशन की प्रोसेस में कितना आंसर लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, और मनी मल्टीप्लायर को भी उसी में ऐड कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको मनी क्रिएशन करना है, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस को एक्सप्लोर करके लाना है, और जो इसके एजेंसी फंक्शन है उन सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर करके लेकर आना है। इस साइट से डाउनलोड करोगे क्वेश्चंस और जो मैं असाइनमेंट दूंगा उस असाइनमेंट के होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। सो ये तो आपका होमवर्क है, उसके बाद मनी क्रिएशन को एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, मनी क्रिएशन में बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में मनी क्रिएशन है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, उसके अलावा फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी क्रिएशन है, तो मनी क्रिएशन को जरूर लिखकर आपको देखना है। ठीक है, तो असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।